हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्व सहायक समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत की है। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामे और धक्का मुक्की का मामला तो पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी के साथ 15 विपक्षी नेता ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों का जवाब दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों पर मार्शलों के हमले का गंभीर आरोप लगाया, तो सरकार ने सदन का सीसीटीवी फुटेज ही जारी कर दिया है। इस वीडियो में राहुल गांधी के दावे को उलट कांग्रेस सांसद ही महिला मार्शलों से बदसुलूकी करते दिख रहे हैं। आगामी 16 से 20 अगस्त तक 5 दिन के दौरान हरियाणा और राजस्थान की राजनीति में हलचल मचने वाले होंगे। दोनों राज्यों की अहिरवाल बेल्ट में ही नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर तक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अभूतपूर्व अभिनंदन की राजनीतिक पीच तैयार है। 5 दिन के दौरान 1 दर्जन से अधिक जनसभाओं के अलावा लगभग 100 जगहों पर भव्य स्वागत भी होगा। इस बीच हरियाणा के साथ राजस्थान में भी राजनीतिक हलचल तेज है और इसमें और इजाफा होने के आसार है। संसद सत्र पर केंद्रीय मंत्रियों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन किया। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रसाद, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव और अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने जहां विपक्ष देश से माफी मांगने को कहा, वहीं प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा अध्यक्ष से विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पीयूष गोयल ने विपक्ष पर सदन की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। केरल हाईकोर्ट ने सोना तस्करी मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से 7 मई को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने सोना तस्करी मामले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री पनराई विजयन को फंसाने के कथित प्रयास की जांच के लिए आयोग गठित करने का निर्देश दिया था। जस्टिस पीवी सुरेश कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे मामले में यानी समांतरण जाँच की जाती है तो उससे जाँच बाधित होगी और इसका फायदा आरोपितों को होगा। हिमाचल प्रदेश के जिला कन्नौर में पहाड़ दरकने से मलबे में कई लोग फंसे हैं। वहीं गुरुवार को सुबह 11 बजे करीब एक बार फिर से भूस्खलन शुरू हो गया। इस कारण रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया, लेकिन 2 घंटे बाद फिर से टीमें डट गई। हालांकि अभी भी रुक रुक कर मलबा गिर रहा है, इस कारण राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। अभी भी 20 से ज्यादा लोगों का कोई सुराग नहीं है। यहां आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अब तक 14 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 13 लोगों को जिंदा निकाला गया है। भूस्खलन रोकने पर फिर से रेस्क्यू और सर्च अभियान शुरू किया जाएगा। साल 2021 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक यानी यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से 152 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इस पदक की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जाँच अधिकारियों द्वारा जाँच में इस तरह की उत्कृष्टता की पहचान करना है। अफगानिस्तान की लगातार बदलती स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ये चिंता का विषय है। हम आशा करते हैं कि तत्काल युद्ध विराम होगा। हम अफगानिस्तान के सभी शांति पहलों का समर्थन कर रहे हैं। हमारी प्राथमिक चिंता उस देश में शांति और स्थिरता है। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ चर्चा प्रश्न पर हम सभी विभिन्न हितधारकों के संपर्क में हैं। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। अमेरिका में कोरोना महामारी फिर तेज गति से बढ़ने लगी है। इसके लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण बताया जा रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने ये अंदेशा जताया है कि आगामी 4 हफ्ते में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। इस अवधि में मरने वालों की संख्या भी काफी बढ़ सकती है। पाकिस्तान के उदार पश्तूनों में तालिबान की सहायता कर पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान सरकार के प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाई है। युद्ध विरोधी समूह पश्तून तहफूज मूवमेंट यानी PTM ने पिछले कुछ हफ्तों में प्रांत के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर रैलियां की हैं।
थाईलैंड के हैंगर मीडिया ने बताया है कि पीटीएम ने तालिबान निंदा की है और अफगान सरकार के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। पीटीएम ने हाल के वर्षों में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। ये संगठन देश और उसके आसपास सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहा है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।